एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ द सिंपल आई मेकअप लुक विथ ए ब्यूटीफुल विंग्ड आईलाइनर। सो है ना ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो परफेक्ट आईलाइनर आज मैं क्रिएट की हूँ। सो एनीवेज, अगर आपको देखना है कैसे इस आई मेकअप को क्रिएट करना है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज कर रही हूँ ट्रेंड ब्यूटी टेम्पटिंग आई शेडो पैलेट। सो बहुत ही वार्म टोन आई शेडो पैलेट है ये। तो सबसे पहले मैं E55 ब्रश के हेल्प से ब्राउनी शेड को अप्लाई करूंगी आउटर वी के तरफ, एंड इसको मैं एज ए क्रीज कलर भी थोड़ा बहुत अप्लाई कर रही हूँ, एंड धीरे धीरे इसको पैड करते रहूंगी कलर को, एंड ब्लेंड भी कर लूंगी विथ E40 ब्रश फ्रॉम सिग्मा। सो आप सिग्मा ब्यूटी का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो फ्रॉम सिग्मा वेबसाइट, वहां पे आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो विच इज Shilpa10, और अदरवाइज आप नाइका से भी सिग्मा ब्यूटी का ब्रशेस ले सकते हो, वो अवेलेबल है, एंड Amazon पे भी है। सो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस आपको परचेस करना है तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी पिंकी मॉवी शेड को, बट ये पैन में बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा था, बट ये आईलिड पे एकदम पिगमेंटेशन नहीं आ रहा है एज यू कैन सी, बट शेड इज सो ब्यूटिफुल। ये अगर थोड़ा सा पिगमेंटेड होता तो बहुत अच्छा लगता। मैं फिंगर के हेल्प से भी ट्राई की तो इससे ज्यादा पिगमेंटेशन मिल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा ब्लेंड करने पे ही इसका फेड हो जा रहा है कलर। सो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसका फॉर्मूला। ये शिमरी शेड्स अच्छे हैं, बट वो पिंक वाला जो सबसे ब्यूटीफुल शेड लगा मुझे, वो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट मैं सेम ब्राउन शेड को लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज भी अप्लाई कर रही हूँ, एंड इनर कॉर्नर के साइड पे मैं सेम मॉबी पिंक शेड को अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करूंगी लाइनर, एंड आज बहुत परफेक्टली मैंने लाइनर ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गई इतना अच्छा विंग आईलाइनर ड्रॉ करने के बाद। यस, थोड़ा सा टाइम लीजिए विंग आईलाइनर क्रिएट करने के टाइम पे। सो अगर आपको सेपरेट वीडियो देखना है विंग आईलाइनर कैसे परफेक्ट लगाना है, देन कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर से वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। नेक्स्ट मैं लॉरियल मजीक काजल अप्लाई करूंगी वाटर लाइन पे, थोड़ा सा थिक अप्लाई की हूँ, एंड इसके बाद इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी माय फेवरेट हाईलाइटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो, एंड इन दी शेड प्रीशियस पेटल। सो वेरी ब्यूटीफुल हाईलाइटर। नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए यूज कर रही हूँ रोलर लैश मस्कारा फ्रॉम बेनिफिट, एंड अगर आपको बजट फ्रेंडली मस्कारा लेना है इसी टाइप का तो आप लैश सेंसेशनल ले लो मेबलिन का, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस, और वो मेरा बहुत फेवरेट है। एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज। आई होप आपको ये सिंपल सा सटल सा आई मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, और मेरा विंग आईलाइनर भी अच्छा लगा होगा आज का। सो वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। सो मैं आपसे मिलूंगी फिर से न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।